सारी डीसी साहब के आदेश के अनुसार रेड पर गए हुए थे और एसआई साहब भी साथ में थे। तो यहाँ पे जो दिलाल पारिक है घोड़े को पहले की दुकान लगाई हुई है, तो वहाँ पर उसको आदेश मिला था अभी तो ये पत्नी को कवर कर रहे हैं, इनको कहेंगे अगर उठाया जाए। तो हम उसके आदेश के अनुसार हम उठाने गए थे, उन्होंने क्या किया वहाँ पे कि कर्मचारी को धमकी दी गई आगे इनको मारे पीटी हुई है हमारे वहाँ के इस कर्मचारी साहब, और हमें प्रशासन से अधिकारियों से यही न्याय मांग रहे हैं। हम कर्मचारी हैं, हमें कर्मचारी अपने घर से काम करने के लिए करते हैं, हमने हाथ बेच रखे हैं, अपनी इज्जत नहीं बेच रखी, और हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे को कर्मचारी को न्याय नहीं मिलेगा हम इसको प्रशासन को यही पठाकर रखेंगे। कर्मचारी को हमारे पक्के कच्चे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं भादरगढ़ की सारे के सारे यहाँ पर बैठे हुए। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है गिरफ्तार हो। कौन गिरफ्तार? ये पाल्ले जी वहाँ पर आए हैं, मामला शांत हो गया था। पाल्ले ने खुद जो MC है उसने आदेश दिया है अगर मारो सारे का गोली लाठी मारो भगाओ इन वजह से इनने कदर मचा रखा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं हमारी क्या गलती है? आपने जो लड़ाई लड़नी है तो वह अधिकारी से लड़िए, उससे आदेश को कैंसिल करवाइए DC साहब से, अगर ये आदेश गलत था आपका कर्मचारी की इसमें क्या गलती है नहीं मिलेगा। हम यहाँ से नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिला प्रधान राजेंद्र जो कल अधिकरण हटाने के लिए हमारे कर्मचारी जा रहे थे वो अफसरों ने कहा कि ये उठा दो, और एक दबंग MC पल्ले शर्मा उन्होंने आखिर ने हमारे कर्मचारियों पर हाथापाई करी है और मारपीट करी है, और बाद में बोला साड़ा को चूड़िया को गोली मारो। इसके बाद में हम आज पूरा शहर को जाम कर रहे हैं, काम नहीं करेगा कोई भी कच्चा पक्का या ठेकेदार का हो, लोडर पोडर सभी बंद हैं, और इसका हम पुलिस प्रशासन ये कह रहे हैं कि उसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम हमारे भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, सरकार को छोड़ देंगे, MC के नाम से हमारे स्ट्राइक बहुत जोरों से करेंगे। ये पाले MC ने हमारे सफाई कर्मचारी के साथ मार पीट की है, और क्या नाम है रोड पे DC मैं